इस वक्त मैं कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई के घर के बाहर मौजूद हूं और आप देखिए कि यहां पर एलडीए की टीम फिलहाल नपाई के लिए पहुंची हुई है। दरअसल पुलिस अधिकारियों की तरफ से बाकायदा एलडीए को एक पत्र भेजकर इस मकान की पूरी जानकारी का ब्यौरा मांगा गया था और उसी के बाद फिलहाल अब जो एलडीए की टीम है वो उनके भाई के घर पर पहुंची है और आप देखिए कि यहां पर जो एलडीए के जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल यहां पर नपाई का काम भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी है कि एलडीए के जो इंजीनियर हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे भी हैं और उसके बाद अब नपाई का काम चल रहा है। सर ये क्या हो रहा है इनके घर के बाहर? नो कमेंट्स, वी आर डूइंग आवर लेटर्स टू। नहीं सर, बस वो पुलिस अधिकारियों की तरफ से ब्यौरा मांगा गया था तो पुलिस अधिकारी से बात कीजिए सर, हम लोग नहीं बता सकते इसके बारे में। आप लोग नपाई कर रहे हैं मकान की, कुछ कमी मतलब मिली है क्या? अब पता नहीं, अभी तो नपाई चल रही है आपके सामने, अब कमी मिली कि नहीं मिली ये तो बात की चीज़ें हैं ना। मतलब किस तरह की नपाई हो रही है, क्या मतलब आगे बढ़ा के बना लिया या? हमको स्वीकृत मानचित्र दिया गया है, उसको हम नाप रहे हैं, बस एज पर मैप बनाए कि नहीं बनाए, सिंपल। तो ये कमलजीत सिंह जी हैं, एलडीए के इंजीनियर हैं, जो फिलहाल अपने टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और जो मैप दिया गया है उस स्वीकृत मैप के आधार पर ये मकान बना है कि नहीं उसी के लिए फिलहाल यहाँ पर नपाई का काम किया जा रहा है। ये एलडीए के आपको कर्मचारी फिलहाल नज़र आएंगे, ये अपनी नापजोक करने के बाद आपको तस्वीरों में जाते हुए नज़र आएंगे। और सबसे खास बात ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यानी कानपुर का आवास जो आरोपी विकास दुबे का है उसको ध्वस्त करने के बाद अब जो जांच टीम है उसकी नज़र विकास दुबे और उनके जो अन्य लोग हैं उनकी संपत्तियों पर है और शायद यही वजह है कि फिलहाल नपाई के लिए जांच टीम यहां पर पहुंची हुई है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24। नाम नहीं, 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 ना